You've been shattered, you've been broken down. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई विश के सब बढ़िया और अपने अपने घर पे मौज ले रहे हो। तो अभी आई हुई है स्ट्रीट 777 RS है, टॉप मॉडल है इसका। बाकी आप कंडीशन देख सकते हो भाई, बाइक की क्या कर रखी है। तो ये अभी आई है हेडमास्टर ऑटोमोटिव पे पेंट होने के लिए। तो आप एक बार पेंट क्वालिटी देखो भाई, इस पे पेंट का काम हुआ था, इस पे कहीं किसी लोकल मैकेनिक से करवाया था। तो इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पेंट की वजह से। नहीं तो अगर इसका मॉडल देखा जाए तो 19 मॉडल है और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में थी। इससे पहले हमने देखी थी इसको, चला के भी देखा था, बढ़िया थी। वैसे कंडीशन बढ़िया है बाइक की, ओनली ये पेंट की वजह से इतनी पुरानी लग रही है ना, इतनी बकवास लग रही है। बाकी थोड़ा कॉम्बिनेशन है वो भी इतना कुछ खास लग नहीं रहा, लेकिन कस्टमर की डिमांड है तो हो सकता है ये सेम पेंट करें या कुछ अलग करें। अपन तो अलग करने का ट्राई करेंगे। बाकी आप कंडीशन देख लो भाई इसकी ओवरऑल ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी क्या से क्या बनने वाली है। ये हेडलाइट ही ये थोड़ी कम दिख रही थी, तो इसको घिस के अभी पॉलिश वगैरह करके इसको क्लीन कर देंगे। बाकी ओवरऑल आप ये चेक कर लो बाइक की कंडीशन। तो भाई साहब जिसने किया है ना, उसने एग्जॉस्ट को भी नहीं बख्शा, एग्जॉस्ट पे भी पेंट कर दिया। फुटरेस्ट भी देखो, तो पूरी बाइक जो बिना खोले हुए पेंट की गई है। ये जो आप इंजन देख सकते हो, इंजन पे भी, यहाँ पे भी भाई साहब कुछ नहीं बख्शा उसने करने वाले ने। सस्पेंशन देख सकते हो यहाँ से अंदर की तरफ से, यहाँ से भी गोल्ड किए हुए इनको, ये चेक कर लो आप यहाँ से। तो इसमें खड़े खड़े में पेंट किया है बिना किसी मास्किंग वगैरह के, ऐसी पोत दिया है इसको, जैसे ट्रैक्टर के पेंट करते हैं ना खड़े खड़े में ऐसे ही। तो ट्रैक्टर वाले भी बढ़िया कर देंगे इससे। तो अब ये पूरा पेंट रिमूव होगा, पूरा हटाएंगे इसको, एक एक पार्ट खुलेगा, उसके बाद पूरी रिपेंट होगी, उसके बाद आप देखना कैसी क्वालिटी इसकी निकल के आती है। तो काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। बाकी अपन जो ट्राई कर रहे हैं कि इस पर कुछ अलग किया जाए, कुछ बढ़िया यूनिक सा, वो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आप किसी भाई को करवाना हो तो आप हेडमास्टर ऑटोमोटिव पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि पूरा जो काम होगा वो वही करने वाले हैं। तो बाकी एक बार आपको इसको स्टार्ट करके और सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है, क्योंकि इसकी दिखने में कंडीशन कैसी भी हो एग्जॉस्ट तो फाड़ू ही है इसका। तो ये कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है, इसका कंसोल काफी बढ़िया है। तो इसका एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया कैसा है। बाकी इसके जो टायर्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं दोनों, तो प्रॉपर काम हो जाता है, उसके बाद दिखाएंगे आपको इसके फाइनल लुक, तभी आपको ये बाइक समझ में आएगी। अभी तो ये कबाड़ा लग रही होगी देखने में। तो मिलते हैं आपसे पेंट करने के बाद। तो पेंट कर ले भैया, ये रिम लो भैया आगे वाली, ये हो चुका है इस पे पेंट बढ़िया। ये लो पीछे वाली, उसके अंदर ये डल गए टायर नए, पूरा सेट मिसलिन का। सर ये क्या कर रहे हो? कुनाल लग दी। अरे अरे ये लो भाई, कैसे खड़ी है खाट के साइड में, बड़े मिस्त्री। ये इसके चेसिस रहा पीछे का, अभी इसको भी लगाएंगे। और बॉडी का इसका भी पेंट चल रहा है, वो हो जाएगा आज। फुल डिटेलिंग ये देखो भाई साहब, बुलट भी पेंट कर दिए, कैलिपर पेंट कर दिया, सोकर पेंट कर दिया, वायरिंग ये देखो, वायरिंग भी गोल्ड कर दी फुल बाबा की दया।
ये लो भाई मॉन्स्टर टायर। कितना छोड़ो टायर ये अपने लड़के हैं दो जवान। निकालो देर देर ये देखो भाई ग्लॉस डेंजर वाला। ट्यूब लाइट है लगवा लगवाओ ना। तो गाइस चेक करो फिलहाल बाइक हो चुकी है कंप्लीट, जो इसमें काम होना था वो हो चुका है। इससे पहले वाले आपने जो क्लिप डाली थी उसमें आपने इसको देखा था किस टाइप की इसकी कंडीशन थी, लेके आए थे तब हाल बेहाल हो रखे थे इसके। और अब देखो भाई क्या ग्लोस मार रही है, एकदम जुलम ढा रही है गति। और ये देख लो प्रोफाइल एक बार बैक से, अब जो इसकी लुक निकल के आ रही है ना वो तगड़ी निकल के आ रही है। जो इसमें कलर हो रखा था पहले वो पता नहीं क्या सोच के क्या ही किया था, इसको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 10 दिन लग गए इसको प्रॉपर इसको साफ़ करने में। क्योंकि इसके जो बुल्ट वगैरह भी है ना चेक कर सकते हो, इन पे भी पेंट हो रखा था इन पे, तो इनको साफ़ वाफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इससे पहले देख ली होगी आपने ये सब पेंट किए हुए थे पहले ब्लैक कलर में, और वो भी खड़े खड़े। ये पार्ट हो गया, पीछे के सोकर वगैरह हो गए, एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट भी ब्लैक किया हुआ था। और ये मतलब इसमें जहाँ आप सोच नहीं सकते वहाँ भी पेंट किया हुआ था, क्योंकि खड़ी बाइक पे किया था, उस वजह से इसकी कंडीशन और कलर क्वालिटी भाई साहब क्या ही थी बता नहीं सकते। बाकी अभी आप देखो डिफरेंस देख सकते हो पहले वाली में और अभी की में, दोनों में कितना डिफरेंस है दोनों में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया है और कितनी की आपको कॉस्ट पड़ेगी, कहाँ पे आप ये काम करवा सकते हो, पूरी डिटेल से अभी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप एक बार इसकी लुक चेक कर लो, फ्रंट से कुछ इस टाइप की लुक आ रही है बाइक की, और अभी साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप की ये देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी ये ब्लैक और गोल्डन कलर में है, जो अलॉय व्हील है ये गोल्डन कलर में है, बाकी जो बॉडी है ये आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फ्रंट का अलॉय व्हील है इसको गोल्ड किया हुआ है, बाकी आप क्वालिटी देख सकते हो पेंट की क्या फिनिशिंग आ रही है कितनी बढ़िया। और इससे पहले तो भाई ये पता नहीं क्या थे, अभी भी इसमें ये मान लो 2-3 दिन और लगते हैं अगर इसको और साफ़ करेंगे ना प्रॉपर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तो ये लो भाई, तो डिस्प्ले चेक कर सकते हो, इसको ब्लैक कर दिया है और जो अलॉय व्हील था इसको गोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो मडगार्ड था इसको किया है ग्लोस ब्लैक। उसके बाद जो इसको सोकर है फ्रंट के, इन पे कार्बन फाइबर की रैप की है, इससे पहले ये जो सिल्वर कलर के थे थोड़े डार्क सिल्वर था वो भी सही लग रहा था, लेकिन अभी कार्बन फाइव कर दिए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ग्लोस में है तो ज़्यादा अच्छी लुक निकल के आ रही है। अगर इसको हम गोल्ड करते रिम के मैच से तो इतना कुछ खास लगता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड हो जाता। अभी अपन ने गोल्ड एक तरह से टचिंग के लिए किया है ऊपर, तो काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है कार्बन फाइबर का जो रैप है। उसके बाद जो साइड में आप देख सकते हो जो इंजन कवर है इस पर कार्बन फाइबर की डिपिंग की हुई है, और आप क्वालिटी देखो भाई कितना बढ़िया जो फिनिशिंग आई है ना एकदम प्रॉपर आई है, ऐसे लग रहा है जैसे कार्बन फाइबर का ही है ये। तो ये भी पूरा काम हेडमास्टर ऑटोमोटिव ने किया है पूरा, जो कार्बन फाइबर वगैरह का भी है। ये तो थोड़ा कम टाइम मिल रहा था, नहीं तो इसमें कुछ और पार्ट्स भी अपन करते कार्बन फाइबर। उसके बाद आप चेक कर सकते हो टैंक,
टैंक पे ब्लैक है और इसमें जो नाम लिखा है ट्रैम्प और साइड में चेक कर सकते हो आरएस, इसको गोल्ड कलर में रखा हुआ है। ये सब पेंट ही है, ये कोई स्टिकर्स नहीं है। उसके बाद पीछे की बात करते हैं, तो जो नीचे का काउल है उसको रखा है मैट ब्लैक और ऊपर का जो पार्ट है इसको रखा है फिर से ग्लॉस। उसके बाद जो साइड में चेसिस है इसको गोल्डन कलर का किया है, जैसा कि जिस भाई की बाइक थी उन्होंने बताया था कि इस टाइप से ही करना है इसको, उस हिसाब से ही। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट ट्रिपल की आपको ब्रांडिंग देखने के मिल जाएगी, ये भी पेंट से ही बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें नीचे जो अंडरबेली है उसको ग्लॉस ब्लैक किया हुआ है। उसके बाद एग्जॉस्ट चेक कर सकते हो, ये पूरा ब्लैक किया हुआ था पहले पेंट से, तो इसको दोबारा से जैसा था ये सिल्वर कलर का उस टाइप का ही निकाला है और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ये। उसके बाद जो फुटरेस्ट वगैरह इसके, ये भी सब मैट ब्लैक में पेंट हुए हैं, जो स्विंग आर्म है वो भी। उसके बाद जो अलॉय है बैक वाला उसको भी देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया कलर निकल गया है इस पर गोल्डन कलर से। उसके बाद जो डिस्प्लेट वगैरह इनको फिर से ही मैट ब्लैक रखा है, और ओवरऑल आप एक बार चेक कर सकते हो इसकी जो लुक क्या निकल के आ रही है। उसके बाद इसमें जो टायर्स हैं वो दोनों टायर डले हैं, मिसलिन के टायर्स हैं दोनों, 180/55 ZR17 का है जो रियर टायर है वो, और जो फ्रंट का है ये टायर भी नया डाला, तो दोनों सेट ही हैं, सेम टायर ही हैं दोनों। उसके बाद जो हेडलाइट है इसको थोड़ा सा क्लियर किया है, बाकी ये थोड़ी सी पुरानी लाइट है उस वजह से इतनी हो नहीं पाई क्लियर, बाकी ये पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है दिखने में फ़िलहाल। उसके बाद आप चेक कर लो ओवरऑल, कुछ इस टाइप की लुक निकल के आने वाली है। उसके अलावा जो इसका बैक वाला चोकर था वो भी ब्लैक किया हुआ था, तो उसमें भी जो येलो कलर का था वो, तो उसको भी दोबारा से येलो निकाला है, थोड़ा प्रॉपर तो इतना नहीं निकल पाया लेकिन जितना हो सकता था इतना कर दिया है इसको ओवरऑल। तो अभी आपको इसका एक बार प्राइस बता देते हैं, अगर आपकी नेकेड बाइक है, सुपर बाइक है, तो आपका लगभग 25,000 में पेंट हो जाएगा पूरा ग्राफिक वगैरह के साथ, जैसा आपको करवाना है वैसा, और जैसा आप सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होने वाला है, कार्बन फाइबर की डिपिंग वगैरह जो भी आप करवाना है सब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी फेयरिंग वाली बाइक है तो उसमें 2-5 हज़ार का ज़रूर डिफरेंस आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपके पेंट के ऊपर। बाकी तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, अपने नाम से भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा आपको। हेडमास्टर ऑटोमोटिव पे इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल बाइक की आप लुक चेक करो, कुछ इस टाइप की आ रही है एकदम बढ़िया, और आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है ओवरऑल बाइक, और जो काम हुआ है वो कैसा लगा है। बाकी मैं आपको दो फोटो अटैच कर देता हूँ, एक पहले वाली और एक अभी जो लग रही है बाइक, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कितना डिफरेंस आया दोनों बाइक्स में हो जाएगा। अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं एक बार, किस टाइप का इसका एग्जॉस्ट नोट है। तो कुछ इस टाइप से इसका कंसोल जो है वो स्टार्ट होता है, ट्रैम्प लिखा हुआ आएगा, ये लो गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून हो रहा है, ये लो बाकी हमने जो टेल आई थी इसके साथ वो हटा दी। उसके बाद देखो भाई क्या लग रही है, भयंकर। ओ भाई साहब एक नंबर। तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो फटाफट से लाइक और शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।